मैं आपके लिए लेके आई हूँ आज एक बहुत ही जबरदस्त होम रेमेडी जो आपके पिंपल के स्कार्स को कर देता है 3 दिन में गायब गायब गायब। यस, 3 दिन में गायब कर देता है। मजाक नहीं कर रही हूँ, मैं हमेशा इसे यूज करती हूँ। मुझे बहुत ही पिंपल्स होते हैं, देखिए मेरे अभी भी स्कार्स होंगे पिंपल्स के। तो जब भी बाहर जाती हूँ धूप और पॉल्यूशन से मुझे बहुत ज्यादा एलर्जी है, तुरंत रिएक्शन हो जाता है मेरे स्किन पे, तुरंत पिंपल्स आ जाते हैं। 1-2 दिन अगर बाहर चली गई तो पिंपल्स आने ही है। तो अब उसका तो कुछ भी नहीं कर सकते, कपड़ा भी बांध के जाती हूँ, बहुत प्रिकॉशन लेके भी जाती हूँ, सनस्क्रीन सब चीज लगा के जाती हूँ, फिर भी कुछ नहीं होता। क्योंकि दिन भर तो बाहर रहना है, दिन भर अब घर पे कितना करके जाओगे, बाहर तो कुछ करने को मिलता नहीं है, दिन भर बाहर ही रहना है तो टचअप भी नहीं हो सकता, आप क्लीन भी नहीं कर सकते फिर। तो उस टाइम पे क्या होता है कि पिंपल्स जब निकल ही जाते हैं तो स्कार्स बचे, अब स्कार्स को ठीक करो। तो स्कार्स को ठीक करती हूँ मैं, एक ये रेमेडी है, मेरा ये सीक्रेट है, आप किसी को मत बताइएगा, सबको बताइएगा और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिएगा ये रेमेडी जो मैं अभी बताने वाली हूँ। तो सीधे रेमेडी बताती हूँ, बकवास बाद में करूँ। अब मैं बताती हूँ इसके इंग्रेडिएंट्स। इसमें सिर्फ 2 ही चीज़ें चाहिए होंगी हमें, एक तो एलोवेरा जेल चाहिए, ये केसर चंदन वाला एलोवेरा जेल चाहिए। सिंपल वाला एलोवेरा जेल आप ले सकते हैं पर वो उतना इफेक्टिव नहीं होता, आप ट्राई करके देख लेना, आपको खुद ही पता चल जाएगा। ये केसर चंदन वाला एलोवेरा जेल लीजिए, ये पतंजलि का मैंने लिया, अगर दूसरे किसी ब्रांड का मिलता हो तो ले लीजिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं उससे। बस ये होना चाहिए, केसर चंदन वाला होना चाहिए, क्योंकि केसर और चंदन ये दोनों इंग्रेडिएंट्स भी काम करते हैं एक्ने के स्कार्स में। और दूसरा जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए वो है क्यूटी पिटी सा लेमन। लेमन क्या करता है, हमारे स्किन को लाइटन करता है, एलोवेरा का भी काम है स्किन को लाइटन करना और स्मूथ करना। तो ये सारे लूंगी अपने पाम पर, एक पीनट साइज के अमाउंट का इतना सा ही लेना है। और फिर इसमें 3 ड्रॉप या 4 बूंद डाल देंगे, 1, 2, 3, 4 लेमन के। अब इसे मिक्स कर लेना है, एक बहुत ही रनी सा वो लिक्विड टाइप का बन जाएगा। इसको मैं अपने स्किन पे लगाऊंगी, स्किन पे मेरे अभी कुछ भी नहीं है तो मैं इसे स्किन पे लगा लूंगी। आपको ध्यान रखना है कि स्किन पे कुछ नहीं होना चाहिए, आपका बेयर स्किन होना चाहिए, धुला हुआ साफ सुथरा। तो अब इसे स्किन पे लगाइए और मसाज करिए, जहाँ जहाँ पे स्कार्स है वहाँ पे स्पेशली ज़्यादा देर तक मसाज करना है, और तब तक मसाज करना है जब तक ये एब्जॉर्ब ना हो जाए स्किन में। इसे रात में लगा करके छोड़ दीजिए, आपकी स्किन रात को रिलैक्स करती है तो ये ज़्यादा काम करेगा अच्छे से। और दिन में लगाना है तो दिन में लगा करके इसे 1 घंटे छोड़ दीजिए, आधे घंटे 1 घंटे, फिर उसके बाद आप स्किन को वॉश कर सकते हैं। और इसे दिन में 2 बार लगाइए तो ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आएगा, एक बार रात में सोने से पहले और एक बार दिन में कभी भी। तो इसे लगाइए, 3 दिन में सच में आपके स्कार्स गायब हो जाएंगे। और अगर स्किन वालों के लिए एक और चीज़ बता देती हूँ, सेंसिटिव स्किन वाले इसे लेमन के क्वांटिटी को कम कर दें। इस लेमन के क्वांटिटी को मैंने 3 बूंद 4 बूंद लिया है, तो आप इसे 2 ही बूंद लीजिए, 1 बूंद लीजिए, जैसे आपकी स्किन की सेंसिटिविटी है, ज़्यादा सेंसिटिव है 1 बूंद लीजिए तो आपको सही रहेगा। नहीं तो लेमन क्या होता है कि बहुत कॉन्सेंट्रेटेड लगाने से सेंसिटिव स्किन वालों को इरिटेशन होने लगती, इचिंग होने लगती है। तो ऐसा ना करें कि 4 बूंद डाल दें 5 बूंद डाल दें, सेंसिटिव स्किन वाले सिर्फ 1 बूंद या 2 बूंद, समझ गए। और अगर आपको ये हेल्पफुल लगे तो आप कमेंट करना मत भूलिएगा, मैं आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ, मैं वेट करूँगी आप लोगों के कमेंट्स का कि कितना हेल्पफुल रहा। अगर हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ लाइक करिएगा इस वीडियो को, और सब्सक्राइब तो करना ही करना है, उसे तो भूलना ही नहीं है, सब्सक्राइब कर लो। और बगल में जो घंटी की फोटो बनी हुई है ना, घंटी का सिंबल, उसे भी टच कर देना। उसे टच करने से क्या होगा, जब भी मैं नया वीडियो डालूंगी तो टिंग करके नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा कि मैंने क्या डाला। और मैं ऐसे ही यूजफुल वीडियोस डालती रहूंगी, तो सब्सक्राइब कर लो जल्दी। बाय बाय।